देखिए मिसेस जोशी, आप जरा हर्षद के होमवर्क पे ध्यान दीजिए। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप उसके बैग में ना टिफिन मत भेजिए, क्या उसका पूरा ध्यान खाने में ज्यादा होता है। हाँ, जरा ध्यान रखना प्लीज। थैंक यू सो मच। काय काय सांगावं लागतं। चलो ये काम तो हो गया, अभी नोटिस बोर्ड पे नोटिस लिखना है, बारिश का मौसम नजदीक आ गया है। पानी उबाल कर पिए, सोसाइटी में कचरा ना करे, दुनिया भर की चिंता इनको ही है, स्टूडेंट से लेकर सोसाइटी वालों तक। चिंतामणि नुस्ते। हाँ हूँ मैं चिंतामणि माधवी, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ इसलिए सोसाइटी वालों की चिंता करता हूँ, और एक शिक्षक हूँ इसलिए स्टूडेंट्स की चिंता करता हूँ, समझी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम प्रेम पंजवानी है। अच्छा साईं, आप लोगों का आचार पापड़ का धंधा है नहीं? हाँ हाँ, आइए आइए बैठिए। अच्छा साईं, ये बताओ कितना टाइप का पापड़ बेचता है आप लोग? सभी टाइप के, सभी फ्लेवर्स के पापड़ है हमारे पास। अच्छा, दाखो, हाँ, दाखो, हाँ, एक मिनट है, लाती हूँ। घर पे बनाता है पापा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घर पे बनाते हैं, होममेड। अच्छा, धंधा बहुत अच्छा चलता होगा नहीं? जुलेलाल जुलेलाल। सभी प्रकार के बनाती हूँ मैं। ये देखिए, ये लहसुन, और ये अदरक पापड़ है, और ये मसूर वाला, और ये है मेथी, और ये जीरा पापड़, ये भिंडी के पापड़ है, और ये बरसात के लिए स्पेशल कॉर्न पापड़, वो भुट्टा खाते हैं ना हम लोग, वो वाले। सुठा है। ये हमारी स्पेशलिटी है। अच्छा अच्छा, इन सब के क्या भाव होंगे? सभी के अलग अलग भाव है। अच्छा, आप लिख लीजिए। तो मैं लिख लेता हूँ। मैंने सब लिख लिया। गुड गुड। अभी आप मुझे ये बताइए कि आपको कौन से पापड़ कितने कितने किलो चाहिए, अभी हम लिखते हैं। नहीं 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 साईं, मैं पापड़ खरीदने नहीं आया। तो? अरे देखिए, आपको मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप लोग अच्छे लोग हैं, मैं आपको सब सच बताता हूँ। दरअसल मैं जो है ना, ये सबके भाव जानने के लिए इधर आया था। भाव क्यों? दरअसल मेरी बहू और बेटी ने जो नया बिजनेस शुरू किया है ना पापड़ का, ओ एक एक के भाव जानने के लिए मैं इधर आया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धंधा का टाइम हो गया है नहीं? थैंक यू चलता है नहीं पापा, जो ले ला। अरे अरे एक, अरे ए, ए, मानसे एक, काय मानुस है? अरे हमारा प्रतिस्पर्धी था वो माधवी, पापड़ का बिजनेस शुरू कर रहा है और हम ही से भाव जानकर चला गया। जाने दीजिए, अपना नसीब तो नहीं लेके गया ना, ऐसे बिंदास लोग होते हैं नहीं? हेलो, हाँ शिल्पा बहन बोलिए। अच्छा, एक किलो गैरी का अचार और एक किलो मसाला पापड़ देखा? हाँ शाम को 5 बजे तक पहुंच जाएगा। हाँ ओके, थैंक यू। आओ शाम को। समझ गया, शिल्पा जी के पास ऑर्डर पहुंचा नहीं है, शाम को स्कूटर पे जाके फटाफट पहुंचा के आऊंगा। हाँ। मेरी स्कूटर का अच्छे से ख्याल रखना, इसकी टाइम टू टाइम रिपेयरिंग करवाना। हाँ बिल्कुल। और खड्डे में जरा स्लो चलाना। मेरे स्कूटर को हमेशा खुश रखना। संडे के संडे में इसे मिलने आऊंगा। अरे भाई साहब, स्कूटर तो हमने बेच दिया ना माधी, तुम्हें नहीं लगता कि हमें स्कूटर नहीं बेचना चाहिए था? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बारिश खत्म होने की राह नहीं देखते हैं, नया स्कूटर ले लेते हैं ना है? हाँ मैं तो कहती हूँ आज ही स्कूटर बुक कर लेते हैं, आज का दिन भी अच्छा है। अरे क्या दिन भी अच्छा है माधवी, स्कूटर खरीदना है स्कूटर, मार्केट में जाके सब्जी नहीं खरीदनी। स्कूटर खरीदने से पहले बहुत सारी इंक्वायरी करनी पड़ती है, कौन से कंपनी का स्कूटर अच्छा होता है, कौन ज्यादा माइलेज देता है, किसका एवरेज ज्यादा अच्छा है, किसकी प्राइस कम है, किसकी वारंटी ज्यादा है, ये सब रिसर्च करना पड़ता है। मैं सब रिसर्च करूंगा और उसके बाद 3 स्कूटर फाइनल करूंगा। 3?
मतलब उसमें से एक ही लूंगा। स्कूटर ले रहे हो या मिस वर्ल्ड का आयोजन कर रहे हो? कुछ भी, स्कूटर ले रहे हो ना पक्का? हाँ पक्का पक्का। एक काम कीजिए, सोडी भाई के घर जाइए। सोडी भाई गाड़ी के मामले में महाज्ञानी है। यस यस। ओए पापा जी, ओए पापा जी। होगी दिक्रा, ऑक्सीजन किधर से मिलती है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर से। ये रोशन गपचुप किसने बाबा, हंसी सूर्य आज। होगी दिक्रा, ऑक्सीजन हमको पेड़ पौधों से मिलती है, समझा? बुढ़ाई जी पता नहीं बड्डा होके क्या करेगा। ओए मम्मी, मैंने तय कर लिया है, मैं बड्डा होकर शादी कर लूंगा। अरे रे अनु, शू करू बाबा, तू टट्टन घेलो चे घेलो गोगी। रोशन भाभी, ये छोटा सोड़ी बिल्कुल बड़े सोड़ी पर गया है। करेक्ट है जी, आजा भी पिड़ू, आजा, गर्मा गर्म परांठे हैं, तेरी परजाई ने खाद बनाया, आजा। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी। वेलकम बीर अंकल। थैंक यू बेटा। गोगी गपचुप पे सीने होमवर्क कर। पिड़ू क्यों हो गया, कोई टेंशन है? नहीं नहीं, टेंशन नहीं है सोड़ी, दरअसल कंफ्यूजन। के मतलब मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए। वाह पापा, एक शिक्षक आपसे एक एडवाइस लेना है, आप तो बीड़ा अंकल से भी होशियार हो। ओ थैंक यू बता। तने किडू ना गपचुप बैसी नंबर कर। सूट है बड़े भाई। ओ बता भी बता पिड़ू, ओ गल की है ये सोड़ी, मुझे एक नया स्कूटर लेना है। कौन सा लूं? ओ अभी भी स्कूटर। ओ पिड़ू, ओ मैं कहता हूँ स्कूटर छाट, अब बाइक ले ले। अरे आप बड़े भाई, आप बाइक ही लीजिए, मेरे कजिन ने अभी अभी बाइक ली है, बहुत मस्त बाइक है। हाँ बहुत बढ़िया है, क्यों रोशन, मस्त है ना बाइक? तो बहुत अच्छी है, पर 1.25 लाख की है। पानी। थैंक यू, वेलकम। रोशन भाभी, मुझे इतनी महंगी बाइक नहीं चाहिए। देख सोड़ी, मेरा पुराना स्कूटर था ना, मुझे वैसी ही बाइक चाहिए, बिल्कुल मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और सस्ती, और जो ज्यादा एवरेज दे। मेरे पास ऐसी बाइक है और उस पर पेट्रोल भी नहीं चाहिए। अच्छा, किलो नहीं किए चलेगा? गोगी बेटा, मुझे खिलौने वाली बाइक नहीं चाहिए, असली बाइक चाहिए। हाँ सोड़ी, तू कोई बाइक सजेस्ट करना। तू बीवी बाइक ले ले। बीवी बाइक? ओ मतलब ये कि तेरे लिए बाइक जो है वो बीवी जैसी है, तो एक बार बाइक आएगी तो तू बदलने वाला तो है नहीं। हाँ तो बराबर है, ऐसे थोड़ी कोई गाड़ी बार बार चेंज करता है, वो तो तुम लोगों ने मेरा स्कूटर बिकवा दिया, वरना मेरे चाचा जी का स्कूटर पूरे लाइफ टाइम चला था, पता है? ओहो, तो उनका नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया कि नहीं? ए रोशन, मजाक मत करनी बाबा, बड़े भाई टड्डन सीरियस है। तो की गल करनी है, वो डॉक्टर हाथी को बुलाऊं? सॉरी सॉरी भाई, और सुन सीरियस पिड़ू, और सीरियसली मैं तेरे को एक बात बोलता हूँ, अभी तू तो ठहरा पुराने जमाने, पर आजकल है नया जमाना, और नए जमाने में बाइक ले। ओ जरा सोच, जब तू बाइक चला रहा होगा तो क्या डैशिंग लगेगा यार। हाँ हाँ बीड़े भाई, आप बाइक ले ही लो। हाँ बीड़ा अंकल, आप बाइक में हेलमेट पहन के घूमोगे ना तो एकदम हीरो लगोगे। लेकिन गोगी बेटा, अगर मैं हेलमेट पहन लूंगा तो मैं दिखूंगा कैसे? वो तभी तो कह रहा है। लेकिन अगर मुझे बाइक नहीं जमी तो? करेक्ट है पिड़ू, वो बाइक तो तू एक ही बार लेने वाला है, पर तूने 40-50 हजार रुपया खर्चा करके बाइक ली और तुझे जमी नहीं, तो उसको डिवोर्स थोड़ी ना देने वाला है। 5-10 हजार रुपया नुकसान करके तू उसको बेचने वाला तो है नहीं। हाँ, बहुत सारी गाड़ियाँ कुछ लोगों को सूट नहीं करती, और यही कंफ्यूजन है मुझे। पिड़ो, अभी अगर मेरी बात माने तो सेकंड हैंड बाइक ले ले, और 3-4 महीने फर्स्ट क्लास वापस, और अगर तेरे को जम जाता है ना तो मैं भाव टू भाव में उसको तेरे को बिकवा दूंगा, और उसी मॉडल की फिर तो नई बाइक ले लेना। वाह पापा,
गुड आइडिया। हाँ वेरी गुड आइडिया छोटी, वेरी गुड। मैं सेकंड हैंड बाइक ही ले लेता हूँ। जायू मारे रोशन कितना होशियार छे। हाँ कराए कराए। थैंक यू सोनिया। अच्छा सोड़ी, तुम्हारे पहचान में है कोई जिसके पास सेकंड हैंड बाइक हो? अब पिड़ो तू फिकर ना कर, और तेरे लिए अभी अपने 3-4 दोस्तों को फोन करता हूँ, 100% तेरे लिए फर्स्ट क्लास सेकंड हैंड बाइक मिल जाएगी। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच सोड़ी। सोड़ी को बोल दिया है, अभी सोसाइटी में सभी लोगों को बोल देता हूँ, किसी ना किसी के पहचान में अच्छी सेकंड हैंड बाइक तो मिल ही जाएगी। अकेले अकेले पकौड़े खाओगे तो पेट तो दुखेगा ही ना। सोचा नहीं डॉक्टर साहब के लिए भी कुछ लेता चलो? सॉरी डॉक्टर हाथी, अगली बार आपके लिए भी लेके आऊंगा। बिल्कुल ध्यान से। गुड मॉर्निंग हाथी भाई। हाँ सॉरी आप बिजी है, मैं बाद में आता हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। क्या बात है? मुझे दरअसल आपसे कुछ काम है। मुझे ना एक बाइक खरीदनी है सेकंड हैंड। अरे तो बड़े मास्टर 104 में जाओ, सोड़ी से मिलो। मैं तो एक डॉक्टर हूँ भाई। नहीं नहीं हाथी भाई, मैं सोड़ी से मिलकर आया, और मुझे पता है कि आप डॉक्टर है, इसलिए मैं आपके पास बाइक की बात करने आया हूँ। ये क्या कनेक्शन है बड़े मास्टर, डॉक्टर से बाइक की बात? मैं कनेक्शन मैं समझाता हूँ आपको। देखिए आपके पास कई सारे पेशेंट आते होंगे। आते होंगे बड़े मास्टर? तो आते हैं देखो। सॉरी सॉरी, मतलब वही आते हैं। तो उनमें से किसी के पास बाइक होंगे या उनके पहचान में किसी के पास बाइक होंगी जिसको बेचनी होगी? हाँ हाँ कनेक्शन है। अभी आया समझ में कनेक्शन? हाँ। अरे भाई आपके पास बाइक है? नहीं नहीं नहीं। आपके किसी जानने वाले के पास है जिसको बेचनी हो? नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है आप जाइए, आपको दवा की कोई जरूरत नहीं है, बारिश का मौसम है, थोड़ी बाहर की चीजें अवॉइड कीजिए। हाँ ठीक है। वैसे भिड़े मास्टर, मेरे एक पेशेंट को बाइक बेचनी तो थी लेकिन याद नहीं आ रहा है, जरा याद कीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ याद कर तो रहा हूँ, लेकिन देखो भिड़े, मुझे जैसे ही याद आएगा ना मैं उसको फोन करूंगा, उससे बात करूंगा, फिर तुम्हें फोन करूंगा। याद से है? हाँ प्लीज, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। नेक्स्ट आइए, आपके पास बाइक है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी आपको क्या हुआ है? पेट में दर्द है भैया। बेड़े सेकंड हैंड स्कूटर और बीवी में एक अंतर होता है, अगर स्कूटर बिगड़ जाए तो बंद हो जाता है, बीवी बिगड़ जाए तो शुरू हो जाती है। तारक देखा ना, देखा ना। नहीं नहीं, जो उदाहरण आपको पसंद आए वो देता हूँ। करेले की सब्जी और सेकंड हैंड स्कूटर में समानता होती है? एक मिनट तारक, ये कैसी समानता? हाँ मतलब दोनों में क्या समानता है? अरे बहुत है भाई, मेरे लिए तो है करेले की सब्जी और सेकंड हैंड स्कूटर, मुझे तो दोनों ही पसंद नहीं है। पर करेला सेहत के लिए अच्छा होता है और सेकंड हैंड स्कूटर पॉकेट के लिए। करेक्ट, मुझे ऐसी बाइक चाहिए जो मेरे पॉकेट के लिए अच्छी हो। चलिए इसी बहाने तारक ने माना तो सही कि करेला सेहत के लिए अच्छा होता है। क्या बात है, तो हो जाए करेले का जूस। अरे रे, आपके लिए मौसम्बी का जूस, तारक के लिए करेले का जूस। अरे कदर करने वाले को करेले का जूस तो देना चाहिए ना, अब भी लाई। ये सब तो चलता रहेगा। अरे तुम कह रहे थे बाइक, तो तुम्हें सेकंड हैंड स्कूटर नहीं बाइक चाहिए? हाँ जरा देखिए ना आपकी पहचान नहीं कोई हो तो। हाँ मैं ऑफिस में पता करता हूँ, किसी ना किसी के पास तो मिली जाएगी बाइक। हाँ और बाइक ऐसी देखना जिसके साथ हो सके तो साइड कार हो। अरे कैसी बातें कर रहे हो भिड़े, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारे घर में असली कार होगी, तुम्हारे बाइक के साइड में कार खड़ी रहेगी। वाह 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 मेहता साहब, आपके मुँह में करेले का जूस है? मतलब घी शक्कर, घी शक्कर। अभी तो आप बाइक दिलवाने वाले हैं। लो पुपट भाई, ये लीजिए शक्कर। थैंक यू बबीता जी। और ये जूस। बबीता जी जूस नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। अरे भाई भीड़ है, बबीता जी इतने प्यार से इतनी मेहनत से हमारे लिए फ्रेश जूस बनाकर लाई, हमारा फर्ज बनता है पीने का। लाइए भाई लाइए, मैं डोंट वरी भीड़े भाई, जूस इज वेरी हेल्दी। चलो पियो। अरे आप भी, मैं तो सबके पास जूस पी के आया हूँ मैं। एंड भीड़े भाई आप टेंशन मत लीजिए, आपको सेकेंड हैंड बाइक मिल जाएगी। आत्मराम, मेरा एक एडवाइस है, तुम एक साल तक बाइक मत खरीदो। क्यों क्यों? अरे भाई मैंने भी वही पूछा ना, सॉरी। क्यों आत्मराम, हम लोग हमारे रिसर्च सेंटर में ऐसा बाइक बनाने का कोशिश कर रहे हैं जो 1 लीटर पेट्रोल में 300 किलोमीटर चले। अरे वाह, तो फिर मैं 2 साल रुकता हूँ, तुम ऐसा बाइक बनाओ जो 1 लीटर पेट्रोल में 600 किलोमीटर चले।
भाई भिड़े, तू एक काम कर, 5 साल रुक जा। ऐसे बाइक का संशोधन हो रहा है जो पानी पर चले। सच भिड़े भाई, ये दोनों आपसे मजाक कर रहे हैं। नहीं नहीं बबीता जी, सच में ऐसे बाइक का संशोधन हो रहा है जो पानी पर चल सके। पापड़लाल, उसको बरसों लग जाएंगे। आधारम, तुम सेकंड हैंड बाइक खरीद लो। अरे वो तो खरीद नहीं है यार, इसी तो यहाँ पे आया हूँ। तुम और पोपड़ला जरा देखो ना, अगर कोई बाइक बेच रहा हो तो जो अच्छे कंडीशन में हो और कम दाम में हो, जरा देखो ऐसी मिल जाए तो। मिल जाएगी। मैं आज के आज तुम्हें ऐसी सेकंड हैंड बाइक ढूंढ के दे सकता हूँ जो तुम्हें फ्री में मिले। फ्री में? लेकिन भिड़े, मेरी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त? पोपट भाई के लिए लड़की ढूंढनी पड़ेगी। वाह 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 बबीता जी वाह। अय्यर, मेरे लिए बाइक तुम ही देखना, और तुम्हारा बाइक ढूंढना कैंसिल है। अगर तुम्हारी शर्त पूरी करने जाऊंगा ना, तो जिंदगी भर बाइक नहीं ले पाऊंगा मैं। चलो, सभी को बोल दिया बाइक के बारे में, अभी टेंशन नहीं है। जेठालाल को नहीं बोला है, कैसे बोलूं? उसके और मेरे विचारों में तो जमीन आसमान का फर्क है। मैं उसे कुछ बोलूंगा, फिर वो कुछ बोलेगा, मैं कुछ और समझूंगा, वो कुछ और समझेगा। अभी इतने सारे लोगों को बोला है तो कहीं ना कहीं से तो बाइक मिल ही जाएगी, और अगर फिर भी नहीं मिली तो फिर बोलूंगा जेठालाल से। एडवाइस, राय, सलाह, इन 3 शब्दों का अर्थ एक है, लेकिन हमारे जीवन में इसका महत्व बड़ा है। हम एक दूसरे को सलाह देते हैं और देना तो बड़ा पसंद करते हैं साहब, लेकिन हम मध्यम वर्ग के लिए सलाह लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जीवन में हम छोटी छोटी चीजों में सलाह लेते हैं, और अगर कोई चीज खरीदनी हो तो 25 लोगों से पूछते हैं, भाई कहां से लें, किस तरह की लें, कितने में लें। तो हमारे भिड़े मास्टर का अंदाज भी यही है, सबसे सलाह ले रहे हैं अपनी सेकंड हैंड बाइक के लिए। मुझे भी उन्होंने एक लेखक से इस वक्त एक सेकंड हैंड बाइक ढूंढने वाला बना दिया है। लेकिन यही तो हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत है कि हम एक दूसरे से पूछ के आगे बढ़े, कुछ काम करें। अब भिड़े मास्टर को लेनी है एक सेकंड हैंड बाइक, और अब देखना यह है कि उन्हें कौन ये बाइक दिलाता है, कैसी बाइक मिलती है, और इस बाइक के मिलने में कितने हंगामे होते हैं। एक बात तय है, बाइक जितनी सरपट गति से भागती नहीं है, उतनी ज्यादा तेज होगी हंसी आपके घरों में, यह मेरा दावा है। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, आपके पास कोई सेकंड हैंड बाइक हो तो बताइएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।